नाजरीन आपको हम खबर से आगाह करेंगे। आला इंसाफ की बेहतरीन मिसाल कायम कर दी, एक पोता कत्ल दूसरा गिरफ्तार, सदमे से दादी चल बसी। खानपुर के शहरी इलाका मलिक आबाद के रिहायशी मलिक मोहम्मद अनवर ने तहलका न्यूज को बताया कि एक माह कबल उसका बेटा कामरान लापता हो गया, जिसकी चार रोज बाद नहर अबासिया से तशद्दुद शुदा लाश बरामद हुई। सिटी के एसआई की मुदियत में मुकदमा दर्ज हुआ। होमिसाइड पुलिस ने इस मुकदमे में चार अफराद को हिरासत में ले लिया था, मगर इन मुलजमान से साज बास के बाद पुलिस ने पहले मकतूल के वालिद को गिरफ्तार कर लिया। चार दिन बाद मकतूल के सगे भाई मोहम्मद असगर को हिरासत में ले लिया और गुज़िश्ता रोज मकतूल के वर्सा के करीबी फयाज नामी को भी हिरासत में लेकर वर्सा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मकतूल के ही अपने रिश्तेदारों की गैर कानूनी हिरासत पर अदालती बेलिफ डलवाया तो पुलिस ने अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए दोनों अफराद की गिरफ्तारी डाल दी और अब मुकदमा खत्म करने के लिए दबाव दिया जा रहा है। मोहम्मद अनवर मलिक ने बताया कि पहले मकतूल कामरान के कत्ल, उसके बाद मेरी गिरफ्तारी और अब मेरे बड़े बेटे यानी मकतूल के भाई की पुलिस के जरिए गिरफ्तारी की खबर सुनकर मकतूल की दादी सदमा बर्दाश्त ना करते हुए मर गई। मलिक मोहम्मद अनवर ने इल्ज़ाम आयद किया कि मेरा एक बेटा कत्ल हो गया, दूसरा नाहक पुलिस के कब्जे में है। आईजी पंजाब पुलिस नोटिस लेकर फौरी तौर पर तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें और गिरफ्तार बेटे असगर को और दूसरे अजीज फयाज को रिहा कराकर असल मुलजिमान को चालान कराया जाए।